Okay, once again, we are together. Today we are going to learn very important topic. See, it's insurance. अब आप लोग सब लोग सोच रहे हो मिस इंश्योरेंस का टॉपिक आ गया, कल हमारा कौन सा टॉपिक था. सी कैसे होता है ना, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ है. आई विल एक्सप्लेन यू. सी यू कैन सी दिस, दिस इज मास्क. वाई आई एम वेयरिंग मास्क, वाई आई एम वेयरिंग मास्क, सो दैट आई कैन safely protect myself, right? This topic is as equal to this mask for the current situation, okay? Insurance Act of 1938, a provision which a prudent man makes against inevitable contingencies. What is this prudent? जिसके ऊपर हम लोग trust कर सकते हैं. I can trust ना this piece of cloth. कितने का होगा ये? 2 रुपया 3 रुपया. Market में कितने का मिल रहा है? 20 रुपीज 30 रुपीज. ये किसका आ गया? कल हम जो पढ़ रहे थे entrepreneur, उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है. वो इससे रिलेटेड इतना अच्छा खासा बिजनेस करके कमा रहा है, ओके. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंश्योरेंस. इंश्योरेंस मींस व्हाट? टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ. कैसे? घर पे रहकर आराम से बैठ गए, दैट इज टू प्रोटेक्ट. नो, हमें कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है. मैं यहाँ से हॉल तक जाऊंगी, मेरे बेबी ने वहां पे फिनाइल का बॉटल रखा है, मेरा ध्यान नहीं है, मैं गिर गई, मेरी हड्डी टूट गई, और उतने दिन तक मैं काम नहीं करूंगी, फिर मैं कैसे कमाऊंगी? I want something ना to save, to protect my family. तो फिर मैं insurance की policy अगर लेकर रखूंगी तो फिर क्या होगा, मैं वहाँ पर claim के लिए apply करूँगी कि भाई अब मैं घर पर हूँ, I can't work, that is accidental policy. That is what I will explain you later. Detail में हम बाद में समझेंगे. मैं ये आपको explain कर रही हूँ कि हमें अगर situation को protect करना है, अपना ध्यान रखना है, but उसके साथ में अगर कुछ भी contingencies हो सकती है, कुछ भी situation आ सकता है जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, ओके. सो फॉर दैट देर आर सम बेसिक टर्म्स विच वी आर गोइंग टू लर्न टूडे. फर्स्ट थिंग इज इंश्योर्ड. हु इज इंश्योर्ड? ओके, समझो यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, ही इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पीली स्टेइंग. फिर उसको मैंने बोला भाई इंश्योरेंस ऐसा ऐसा होता है, वो जाएगा कहाँ पे? वो जाएगा कंपनी के पास, ठीक है. तो वो जा रहा है, क्यों जा रहा है? पॉलिसी लेने के लिए. तो फिर वो कौन बन गया? इंश्योर्ड, बिकॉज वो पॉलिसी होल्डर है, वो पॉलिसी लेने के लिए जा रहा है. फिर सेकंड टॉपिक है इंश्योरर. कौन दे रहा है उसको पॉलिसी? कंपनी दे रही है. तो कंपनी कौन बन जाएगी? इंश्योरर. मीन्स द पर्सन हु प्रोटेक्ट अस, जो हमें बचा रहा है, जो हमारी ध्यान रखेगा. कैसे? घर पे आके नहीं, पॉलिसी के साथ. अब पॉलिसी क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. फॉर दैट, दैट इज वॉट इंश्योर्ड. एंड वी, वेन वी आर गोइंग टू टेक पॉलिसी, वी आर इंश्योर्ड. इज इट इंश्योर्ड? एंड दैट पर्सन इज इंश्योर्ड. इतना क्लियर हुआ आपका? अगर फास्ट गया है तो आई एम सॉरी. द थर्ड थिंग इज प्रीमियम. सी, दुनिया में सिर्फ एक माँ का प्यार है और डैडी का प्यार है जो फ्री में मिलता है, ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस. उसके अलावा दुनिया में कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता है. आई नो आई एम समटाइम आई टॉक वेरी सेंसिबल, बट दैट इज ट्रू. आप लोग अपनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में भूल जाते हो कि कौन हमसे यू नो विदाउट कुछ एक्सपेक्टेशन प्यार करता है. बस ये दो ही जन है, और ये इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो भी हमसे प्यार करता है. बट कैसे? फॉर दैट वी हैव टू पे प्रीमियम. प्रीमियम किस तरह से होता है? पर्टिकुलर आपके लिए कोई भी एक अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कि भाई 2 लाख का इंश्योरेंस लेना है, 3 लाख का इंश्योरेंस लेना है. तो उसके लिए कुछ 10%, 5%, 3%, maybe 20% मनी वो आपसे लेंगे. वो पर्टिकुलर अलग अलग कंपनीज का अलग होता है, ओके. फॉर दैट वी विल सी इन डिटेल लेटर. एंड देन पॉलिसी. मैंने अभी बोला एक पॉलिसी इज अ काइंड ऑफ पेपर, इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट. उसमें लिखा रहेगा भाई ये बंदा है, इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अलग तरीके से. मे बी इट इज़ एक्सीडेंटल, मे बी इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, इट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस, वॉट एवर. एंड दिस इज प्रपोजल. प्रपोजल मीन्स वॉट? हाँ, अभी प्रपोजल वर्ड तो आप लोग सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, स्पेशली बॉयज. प्रपोजल मीन्स, हम लोग को प्रपोजल का मतलब नहीं मालूम, हम लोग को सिर्फ ये ही पता है. यस आई नो. सी, प्रपोज मीन्स वॉट? To propose, to talk to someone. It is not only that your romantic kind of word, propose. Okay? Propose ka actual meaning hota hai, kisi se baat karna.
ओके, सो दिस इज व्हाट, जब हम किसी के पास जाते हैं बात करते हैं, या कोई हमारे पास आता है कि आप ये इंश्योरेंस लीजिए, दैट इज नोन एज प्रपोजल. वो आपके पास प्रपोजल लेकर आया, फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको वो लेना है कि नहीं लेना है. एंड देन विच काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू आर टेकिंग, दैट ऑल्सो मैटर. दैट इज व्हाट सब्जेक्ट मैटर. देयर इज लाइफ इंश्योरेंस जो हमारी पूरी लाइफ का प्रोटेक्ट करता है. फायर इंश्योरेंस, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और यहाँ पे फायर हो गया, यहाँ पे फायर हो गया, अब मैं क्या करूँगी, मेरा पूरा क्लासेस को कुछ भी हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, व्हाट आई विल डू. आई एम गोइंग टू टेक फायर इंश्योरेंस बिफोर ओनली व्हेन आई हैड कंस्ट्रक्टेड. जब मैं ये क्लासेस मैंने बनाया तभी मैं ये पॉलिसी लेके रख दूंगी, ताकि कभी भी कहीं पे भी कुछ हो सकता है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सूरत में एक केस हुआ था, आई थिंक एक साल पहले या डेढ़ साल पहले एक केस हुआ था, जहाँ पे बच्चे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, एवरी वन वर स्टडिंग, और अचानक से फायर हो जाता है और बच्चे सब कैसे कूद कूद के नीचे गिरते हैं. मेरे को याद नहीं है, 7 या 8 ही बच्चे बचे होंगे, बिकॉज प्रिकॉशन नहीं ले पाए, सब कुछ अचानक से हुआ. बट उन्होंने फायर इंश्योरेंस लिया होगा तो वो उतना क्लेम हो जाएगा. फिर जो बाकी के जो बच्चे थे उनका अगर इंश्योरेंस होगा या जो होगा, या कंपनी कुछ देगी, क्लासेस गवर्नमेंट कुछ देगी, बट इंसान की लाइफ कभी रिटर्न नहीं आती. सी दिस इज इंश्योरेंस. इसमें खाली हमें कुछ रकम मिलती है जिससे हमारा, शुद्ध भाषा में बताती हूँ, गुजारा हो सके, हमारी ज़िंदगी वापस नहीं आती है. ओके, एंड द लास्ट इज मराइन इंश्योरेंस. व्हाट इज दिस मराइन इंश्योरेंस? इसमें क्या होता है, पानी में सेल से जब भी कोई सामान जाता है, कार्गो जाता है, ऑयल जाता है, तो वो इजीली एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुँचे तब तक का इंश्योरेंस लिया जाता है. इतना आप लोग को समझ में आया? वंस अगेन मैं सारे पॉइंट्स बोलूँगी, एक बार आप भी, 2 मिनट ही लगेगा, सिर्फ लिपसिंग करना है, मेरे साथ में देखते देखते बोलो ताकि आपके माइंड में सारे पॉइंट्स आ जाए. द फर्स्ट पॉइंट वॉज इंश्योर्ड, इंश्योरर, प्रीमियम, पॉलिसी, प्रपोजल, सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर में 3 पार्ट्स है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, एंड द लास्ट पार्ट इज क्लेम. ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, मुझे कुछ हो गया, मैं गिर गई, तो फिर मैं क्लेम करूँगी, मैं क्लेम करूँगी तभी जाकर मेरे वो पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे. इज इट ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन विथ इंश्योरेंस, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस? कुछ चीज़ें जो बहुत मैटर करती है इंश्योरेंस समझने के लिए. फर्स्ट पॉइंट इज अटमोस्ट गुड फेथ. हर रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट से ही होती है. आपके और मेरे बीच में अगर ट्रस्ट है तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, राइट? सो जैसे कि हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, अगर हम किसी को भी प्रीमियम पे कर रहे हैं कि वो हमारी ज़रूरत में, जब हमें प्रॉब्लम हुई है, हम किसी प्रॉब्लम में अटके हुए, रिलेटेड टू एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस, दैट टाइम ही विल हेल्प मी विथ मनी. गेटिंग मी वॉट आई वॉन्ट टू से? सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. अगर वैसा कुछ रीज़न रहा तभी वो क्लेम सेटल होगा. हमें भी हमारे बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सच्चाई है, वो ही बताना है. मेडिकल से रिलेटेड अस्थमा है बता देना है, हार्ट का प्रॉब्लम है बता देना है. क्यों? ताकि उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा. अगर आपको कुछ भी अलग सा होता है तभी आपको क्लेम मिलेगा. बट अगर आपका एक्सीडेंटल है उसमें तो मैं, अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं इसमें पहले गिर चुका हूँ, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ एक्सीडेंटल, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड. ओके, दैट क्लेम विल बी डन. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स बातें उसी से रिलेटेड होगी जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो. हमें सारी बातें सच्चाई बतानी है, और अगर मुझे उस बात में इंटरेस्ट है कि हाँ मैं इतना पे कर रही हूँ तो मुझे इतना पे मिलेगा, अगर आज मैंने इतना पे किया मुझे इतना क्लेम में पैसा सेटल हो जाएगा, इफ़ आई एम सेटिस्फाइड तभी मैं पॉलिसी लूँगी, वरना फिर मैं पॉलिसी नहीं लूँगी. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. सी दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वाई? बिकॉज सामने वाला गारंटी ले रहा है. कल अगर मैं गिर जाऊँ और फिर वो बोले कंपनी वाला, देखो हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, इस बार काफ़ी लोग गिरे हैं, हम आपका क्लेम सेटल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. मैंने आपको आपकी ही भाषा में क्लेम का एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा सिली रीज़न नहीं होता है. कंपनी है तो कंपनी को सेटल क्लेम करना ही पड़ेगा.
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मीन्स दे टेक गारंटी, फॉर्म के साथ में ये सारे रूल्स वहाँ पर लिखे होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सी ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग एक ही कंपनी से पॉलिसी लेंगे, कुछ लोग जिन लोग की कैपेसिटी है दे कैन पे गुड प्रीमियम वो लोग अलग अलग कंपनी से भी इंश्योरेंस लेंगे, हम एक ही कंपनी से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने दो या तीन कंपनी से लेके रखा है मे बी इट इज़ ए बी सी, तो आपको क्या लगता है कि मैं तीनों से पैसा लूँगी? ऐसा नहीं होगा, तीनों मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर मैंने बोल दिया है कि मैंने भाई यहाँ से भी और यहाँ से ही पॉलिसी ली है तो सब मिलके उसको कंट्रीब्यूशन करके पे करेंगे, और अगर मैंने सिर्फ एक से ही लिया है तो फिर वो मुझे कंट्रीब्यूट कर वो खुद ही मुझे वो पैसे देगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में क्या होता है, अगर मैंने कोई व्हीकल का इंश्योरेंस लिया है, व्हीकल डैमेज हो गया है, तो फिर कंपनी ने मुझे मनी पे किया जितना अमाउंट का लॉस होता है, अगर वो अमाउंट ह्यूज है तो फिर क्या होगा, कंपनी ने अगर मुझे वो पैसे पे कर दिए तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, बिकॉज लॉस बहुत ज़्यादा था, तो फिर वो जो मनी है वो उन्होंने मुझे दिया, अब वो व्हीकल का क्या करूँ मैं, व्हीकल भी रखूँ? ऐसे नहीं होगा, उसका मनी मुझे मिल गया है बिकॉज वो अमाउंट ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा पैमाने में वो डैमेज हुआ है, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है उसकी ओनरशिप इंश्योरर के पास चली जाएगी। मैं कौन हूँ एट प्रेजेंट? इंश्योर, क्योंकि गाड़ी मेरी थी, मुझे क्लेम किसने किया? कंपनी ने, तो फिर वो क्या बन गया? इंश्योरर। इज इट ओके? एंड देन प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिटिगेशन मीन्स क्या? मिनिमाइज, कम। अगर मेरा 2 लाख का इंश्योरेंस हुआ है और मैं इंश्योरेंस कंपनी के बाहर खड़ी हूँ, मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ, मैंने सोचा नहीं कुछ नहीं, अभी मुझे लालच आ गया कि भाई 2 लाख का मैंने कवर किया था मैं इतना ले लूँ, ऐसे नहीं होता है। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, कंपनी भी कोशिश करेगा पूरा छानबीन करने के बाद में, जितना कम लॉस हुआ है उतना ही हमें बताना है और उतना ही पैसा लेना है, बाकी का जो अमाउंट है वो आप अपना रखो वहाँ पे। ऐसा नहीं कि पूरे 2 लाख रुपए लेने, अगर 2 लाख का डैमेज ही नहीं हुआ है तो वो क्यों आपको पूरे पैसे देगा, जितने का आपका कम से कम डैमेज हुआ है उतना ही पैसा आपको मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, ये बहुत बहुत बढ़िया है ये पॉइंट, नियरेस्ट कॉज, इसका मतलब पता है क्या है, कितने बार पता है क्या होता है, बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, मैंने फायर लगा दिया, हाँ मुझे क्लेम मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। देयर शुड बी नियरेस्ट कॉज, अगर फायर इंश्योरेंस है तो फायर हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तभी जाकर मुझे उसका मनी मिलेगा। अगर मैं खुद ही कर रही हूँ जानबूझ के और फिर मैं उधर दिखा रही हूँ कि भाई एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे नहीं होता है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, वन टाइम आई विल रिपीट, सी मेरी आदत है लास्ट में सारे पॉइंट्स रिपीट करने की, क्योंकि आप लोग के हाथ में जो पेंसिल है उसके साथ में हम एक बार रीड करते रहेंगे तो आपको वो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, बिकॉज अब आप लोग सीख रहे हो, अब आप लोग कब बुक खोलोगे पता नहीं मुझे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सब कंपनीज मिलके करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस मीन्स टू मिनिमाइज, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा दैट इज वॉट नियरेस्ट कॉज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया।